काम कर रहे हैं ना, साफ सफाई चोरी का है मामला, क्यों 16 की देखो वो गाड़ी 17 की स्क्वायर फुट है ना, लेकिन देखता है जिसने भी निकाला है वो गलत निकाला है कि नहीं निकाला है। गाड़ी खड़ी है ना, इसका स्क्रैप हो गया 3500 का, बाकी 500 गए इसके, एक साल में गाड़ी कैसे निकाल देगा, एक साल जूनी गाड़ी स्क्रैप में कुछ नहीं निकाल। पता है एड्रेस नगर, मोबाइल नंबर तो नहीं मिलेगा, मोबाइल नंबर 0 एड्रेस में ऑफिस में डील कर लगेगा आराम से पत्र है। हाँ, नो प्रॉब्लम, उसका एड्रेस मिलेगा, बिल है 2016 का, कौन सी हेलो बबलू, लाइव है, लाइव टीम वाली का ओबीएम की तरफ इधर सेक्टर आप ठीक है, इधर
51 तू है आती देखे जाओ सर छोटा सा एक छोटा सा बाइट होना रवीन डायरेक्ट मेरे से ले सकते टेंशन नहीं नहीं डाल सकते तू रहे तू सकते अरे पण इकडे या ना तू असं रे आम्ही अडजे बघतो अरे पण इकडे या ना बाप जेव्हा अखल रे मेरा वाइट तेरे पास रवीन मध्ये बाहेर बाहेर दिया तेरे पास लगा ना बाईक लगा ना सर बताइए रोल रोल सर बताइए आज यार जगह रेड की है क्या है या क्या मिला है आपको क्या अरे हमको टिप मिली थी कि जो नई पुरानी गाड़ी है उनकी यहाँ पे कटिंग होती है नंबर ऑफ व्हीकल कैटेगरी में चोलन पालवेस्ट एंड अराउंड पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट सो हम डायरेक्ट रिपोर्ट जो दुकानदार थे वो सारी दुकान छोड़ के भाग गए अपने अपने दुकान से सामान अभी पड़ा हुआ है तो उसके बाद अभी हम खातरी करेंगे और खातरी करने के बाद फिर कंट्रोल हो कि वो व्हीकल्स जो है वो वाकई में चोरी थी कि स्क्रैप में लिया था सर कुल कितने गुड़ाउन है यहाँ पे टोटल 100 से ऊपर दुकानें हैं फिलहाल तो लगभग कितने का सर कितने का माल रहेगा सर चोरी गाड़ी या कुछ भी है उसका अंदाज़ा भी लगा पाना मुश्किल है कि कितनी चोरी की है कितनी उन्होंने स्क्रैप में खरीदी है तो एक बार नामा होने के बाद सारा खातरी वेरिफिकेशन करने पिछले कई दिनों से वसई में गाड़ियाँ चोरी होने की घटनाएँ बढ़ रही थी क्या लगता है इनके कनेक्शन यहाँ से हो सकते हैं आई एम नॉट श्योर लेकिन हो सकते हैं सर अभी कुल मिला के कितना दुकान है सर जोड़ पास 100 दुकान अराउंड 100 अभी किसी को कोई मिले हैं सर आपके अभी हम लोगों ने 10-12 लोग को रोका है डिटेन करने क्वेश्चनिंग करने के लिए उनसे सिर्फ अधिकारी मिलेगा उसके बाद आगे का प्रोसीजर सर क्या ये इलाका फिलहाल बंद रहेंगे दुकान क्या पूरे सील करेंगे क्या है देखते हैं अभी हम लोग पंचनामा करेंगे उसके बाद जो प्रोसीजर होगा फॉलो करेंगे सर कार्रवाई कब तक चलेगी कार्रवाई लंबी चलेगी दुकानें काफ़ी ज़्यादा हैं और सामान भी काफ़ी ज़्यादा है पूरा पंचनामा करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा